भाई जी को, अर्जुन भाई जी को स्मृति तिलक लगाकर स्वागत करने के लिए मैं बहनों से निवेदन करता हूँ। तो अर्जुन भाई जो है कुमार हैं, बाल्यकाल से ज्ञान में चल रहे हैं और आपका जो 1974 का जन्म स्थल है 25 जुलाई को, और हमारे मेन सिविल लाइन सेवा केंद्र से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है बचपन से ज्ञान में, और पूरे परिवार ज्ञान में चलते हैं। और एक खुशी की बात है, इनके परिवार में 6 लोग समर्पित है। ताली बजाओ जोरदार से। एक आपका बहन जो तारा बहन है वो दादी गुलजार जी के साथ वहाँ पर दादी जी के ही संग संग में सेवा करने का उनका सानिध्य प्राप्त हैं, और 94 से संपूर्ण समर्पित जीवन जी रहा है मधुबन में। विशेष इस समय जो है वहाँ कई क्षेत्र बाबा की जो फील्ड होता है, डिपार्टमेंट्स होता है, बर्तन विभाग है, सेवाओं का है, अब ज्ञान सरोवर में भी जो सेवाओं का जो देखना पड़ता है, सेवादारी को रखते हैं वो सेवाएं देखते हैं। और बहुत से ऐसी गतिविधि है, क्लासेस वगैरह भी कराते रहते हैं जगह जगह जा करके, बट्टी भी कराते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेस भी कराते हैं। और विशेष जो है टस्ट लाइट पे भी आपने बहुत सुंदर क्लासेस कराया कई जगह जा करके, और प्रतिदिन अमृत वेले का जो अनुभूति है उनका 24 साल का, और 20 साल से मुरली का एक ऐसा अद्भुत अनुभव है। तो आज एक ऐसा संगम युग में बाबा ने हमको समय दिया है, ये समय बाबा ने दिया है कि आपके अनुभव हम लोग भी सुनेंगे, और विशेष ब्राह्मण जीवन का जो महत्व है, जो दिनचर्या है, उसकी प्राप्ति है, उसका अनुभव है कैसे होना चाहिए। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो सबसे पहले हम आपसे एक छोटा सा प्रश्न करते हैं, बहुत सहज प्रश्न है, हर एक उत्तर दे सकते हैं। हर माता पिता को अपने कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? सब नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, फिर से बोले, एक साथ बोले, कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? ठीक है, तो हर माता पिता को आज्ञाकारी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, तो ऐसे बाबा को भी कौन से बच्चे प्यारे लगेंगे? आज्ञाकारी। और बाबा की आज्ञा मिलती कहां से है? रोज की मुरली से। मुझे याद है ओम शांति भवन में बाबा आए थे तो बाबा ने बच्चों से एक प्रश्न किया, अव्यक्त बाप दादा, कि ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण मुरलीधर क्यों बनता है? ब्रह्मा बाबा ही मुरलीधर क्यों बनता है? तो बच्चों से पूछा तो बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर दिए। बाबा शिव बाबा से ज़्यादा प्यार था, सेवा से ज़्यादा प्यार था, बच्चों से प्यार था, आदि आदि। तो बाप दादा ने ही उसका उत्तर दिया कि ब्रह्मा बाबा को सबसे ज़्यादा प्रिय थी मुरली, इसलिए वो मुरलीधर बन गया। तो यदि हमें भी मुरलीधर के साथ में आना है तो क्या करना है? मुरली से। तो मुरली में बाबा की आज्ञाएं भरी हैं, ठीक है ना, सारी आज्ञा जो है मुरली से मिलती है। इसी मुरली से देखो, लेख राज से ब्रह्मा बाबा, ओम राधे से मम्मा, और दादियां, माना जिनको भी देखो, जो अपने उच्च शिखर पर पहुंचे वो किस आधार से? मुरली के आधार से। बड़ी दादी अपना अनुभव सुनाती थी कि वो रोज 6 बार मुरली पढ़ती थी। जानकी दादी एक बार अपना अनुभव सुना रही थी कि मैं और दादियों की अपेक्षा लेट आई ज्ञान में, तो
मेरी इच्छा थी कि मैं कम से कम सबके बराबर तो पहुंच जाऊं। तो दादी ने बाबा से पूछा, बाबा मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं कि सबके समान पहुंच जाऊं। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम अगर आप चाहते हो कि हम सबके समान पहुंच जाऊं, और दादियों के को हम दोबारा पूछेंगे, हम मुरली सुनते हैं, ठीक है ना, एक माँ अपने बच्चे के बारे में अगर ये बोलते कि ये बच्चा मेरी सुनता नहीं है, इस बच्चे को हम कितना भी कहते हैं लेकिन ये बच्चा मेरी सुनता नहीं है, माना माँ बोल भी रही है, बच्चा सुन भी रहा है, लेकिन माँ बोलती है कि ये बच्चा मेरी सुनता नहीं है। तो माँ ने कब ये शब्द बोला? जब उस बच्चे ने किया नहीं, ठीक है ना। माँ ने कोई बात कहा और बच्चे ने टाल मटोल कर दिया, तो माँ ने क्या बोला, ये बच्चा मेरी बात। अगर हमने मुरली सुनी लेकिन किया नहीं तो मुरली सुना? अब बोलो। बाबा ने बताया कि बच्चे ये करना है और हमने प्रैक्टिकल में नहीं किया तो हमने मुरली सुना? हाँ? क्या बोल रहे हैं, धीरे से बोल रहे हैं, नहीं सुना। तो अब क्या करना है, अब रियल में क्या करना है? तो ये लक्ष्य रहे कि जो बाबा ने कहा वो हमें मैं नहीं करूंगा तो हाँ।